ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਸਾਲ ਆ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਹਿਲਾ ਡੇਢ ਸਾਲ ਹਨੀਮੂਨ ਪੀਰੀਅਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਲੱਕੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਦੇ 4 ਸਾਲ ਹਨੀਮੂਨ ਪੀਰੀਅਡ ਵਾਂਗੂ ਮਿਲੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਬਰਗਾੜੀ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੇ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਰੋਨਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ उसका फॉलोअप नहीं किया गया जो चाहते तो खेती बिल कदों के माफ करा सकते तो लगता है कि पंजाब की जिहड़ी सरकार है कांग्रेस सरकार है वह कितने ना कि चाहे तो खेती बिल माफ करा सकती है जिदा क्रिकेटर की अजक IPL च बोलियां लगदिया ने तो यह दा मार गए ने सब तो पहला यह प्रशांत किशोर जो है खरीद के ले आए ने अकाली दल है चाहे आप की गल कर लो दोनों वालों जो कोई गल हों वॉकआउट कर दिया जाता है की कारण मानते हो लोगों की पंजाब के लोगों की गल क्यों नहीं रखते हो चलो हक है वाकआउट करना एक तरीका होंगे पर इन आप दूजे शब्दों कह लिए एक पोलीटिकल बुजदिली भी है स्कॉलरशिप जोड़ा स्कैम है ये पिछली अकाली दल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो ही गिफ्ट के रूप के कैप्टन सरकार मिलया खत्म कर बजाए उसका हल कर बजाए उस लगातार अगे वाधा हों तो हूँ कई 100 करोड़ का हो गया स्पीकर साहब वालों 3 दिन ली अकाली दल मुअत्तल कर दिया गया किवें देखते हो 8 तरीक न सोमवार को बजट पेश होना है तो उत्थे अकाली दल बैठा होगा या नहीं होगा मुख्यमंत्री साहब ने कहा कि 14,23,000 ट्यूबवैल ने बिजली कनैक्शन नाल चलते हैं तो तुम सोचो कि किन्ने वड्डे लैवल के उत्ते इरीगेशन जी पंजाब दे विच यू हो रही है तो पंजाब की जमीन चो पानी कढ़िया जा रहा है तो पंजाब आने वाले सालों के किसी होर संकट च ना फस जाए स्काई न्यूज़ पंजाब विच तुहाडा स्वागत है मैं कोमल सिंगला पंजाब बजट इजलास चल रहा है 1 मार्च तो शुरू हुए इस बजट विच विरोधी धिर सत्ताधारी कांग्रेस सरकार से लगातार निशाने धार रही ने इस दे नाल ही सत्ताधारी कांग्रेस सरकार वालों 2017 चोन मैनीफेस्टो के जिहड़े वादे किए गए थे उस उपर विरोधी धिर वालों लगातार कांग्रेस सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किए जा रहे हैं इस बारे विचार चर्चा करन दे लई साडे नाल साडे सीनियर जर्नलिस्ट नील भलिंदर जी मौजूद ने सर की कहोगे जिहड़ा पहले दिन की गल करिए गवर्नर एड्रैस होया उहदे बारे की कहोगे वेखो गवर्नर एड्रैस तो आम तौर के उत्ते धारणा यह बनी हुई है कि सरकार ने अपने 1 साल दी प्राप्तियां जिहड़ियां लिख के दे देनियां हुंदियां ते राजपाल साहब आउंदे ने ते पढ़ के चले जांदे ने खैर इह तां रस्मी कार्रवाई है पर इस बार क्योंकि खेती कानूनों नूं लैके सूबा पंजाब जिहड़ा सूबा है वह लीड कर रहा है एजिटेशन नूं पूरे देश नूं लीड कर रहा वो तो गवर्नर जिहड़े ने इतफाकवस वह भारतीय जनता पार्टी बैकग्राउंड दे ने ते वड्डे कद्दवर नेता रहे ने भारतीय जनता पार्टी दे राजस्थान तो आंदे ने उह उन्हां वास्ते मुश्किल सी कि वह किस तरह खेती कानूनों के उत्ते क्योंकि पंजाब सरकार किसान अंदोलन के हक च बोल रही है लगातार तो उन्होंने वो हिस्सा जिहड़ा हैगा वह अणदेखा कर दिता हालांकि उन्होंने थोड़ा जिक्र किया है कि खेती कानूनों नूं लैके पंजाब का माहौल जिहड़ा हैगा वह थोड़ा जिहा खराब होया है पर वह सेफ साइड लैके निकल गए पर जिस तरह का फिर उस तो बाद विरोधी धिर खासकर भारतीय जनता पार्टी की ही भाईवाल लंबे समय तो भाईवाल का ही जिहड़ा वह 9 मास का रिश्ता तक होने दी गल्लां करते रहे ने अकाली दल श्रोमणी अकाली दल उन्होंने रैड कारपेट तक चूक दिता राजपाल के स्वागत लिए जिहड़ा बिछाया होया सी कि जिहड़ा राजपाल जिहड़ा हैगा साढ़े किसानों के विरुद्ध है काले कानूनों के हक च है या हक च कह लो या ना कह लो कि वह जिहड़ा पूरा खुल के नहीं बोल रहा तो उसनू रैड कारपेट देना नहीं बनता खासकर पिछले जिहड़े विधानसभा सैशन होया सी खेती कानून जिहड़े विवादित कानून ने उन्हां दे मुद्दे दे उत्ते ते उस च कुछ मते पा के राजपाल साहब नू दे के आया सी कांग्रेस सरकार विरोधी धिर भी नाल गई सी अकाली दल भी नाल गया सी ते आम आदमी पार्टी भी नाल गई सी बाहर आके दूजी बोली ये बोलन लग पे सी तां उहदे उत्ते कहा सी इन्हां दा दोष सी कि राजपाल ते राजपाल साहब ने जाणबुझ के वह उन्हां नूं उत्थे ही रख्या होया उस दे उत्ते अगे गल नहीं वध रही सो इस वार दा राजपाल दा एड्रैस जिहड़ा हैगा राजपाल दा भाषण जिहड़ा है वह भी काफ़ी प्रोमीनेंटली जिहड़ा हैगा विवादां च रहा है जी नील सर एक गल होर मैं तुहानूं पुछनी चाहवांगा विरोधियों वालों दावे किए जा रहे हैं दोष लाए जा रहे हैं कि जिहड़ी कांग्रेस सत्ताधारी कांग्रेस सरकार है उन्हां वालों खेती मुद्दे ते जिहड़ा मता पाया गया है उसका फॉलोअप नहीं किया गया जे वह चाहते तो खेती बिल कदों दे माफ करा सकते सी नहीं खरे तो गैर संविधानिक जी गल है क्योंकि अपनियां अपने तरह दी जिहड़ी टैक्नीकैलिटीज़ होंदियां ने कॉन्स्टिट्यूशन का मामला है एक सूबा सरकार हालांकि देखो जो
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दियां तीन लिस्टां ने, तीन सूचियां ने, है ना। एक केंद्रीय सूची है, एक राज्यां दी सूची है, तो एक कॉन्करेंट लिस्ट है, सांझी सूची है। केंद्रीय सूची वो हुंदी है, साडे दर्शक बहुत सियाणे ने वैसे जाणदे ने, आपां फिर भी दोहरा दिंदे आ कि कुछ क चीज़ां जिहड़े विषय ने वो लिखे हुंदे ने कि आ शराब का मामला है, माइनिंग का मामला है, स्कूलों की एजुकेशन का मामला है, हैल्थ का मामला है, वो एक लंबी चौड़ी लिस्ट है। तो इस पर केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है। जिहड़ी स्टेट सूची है साडे कॉन्स्टिट्यूशन की, उस फिर आ जाते हैं जिहड़े स्टेटा अपने पद्धर के उत्ते कानून बना सकदियां होंदियां ने। ते खेती जिहड़ा वह स्टेट सबजैक्ट है जी, तां जिहड़ा पंजाब सरकार दा लिया होया स्टैंड सी, जिहड़ी एडवोकेट आर एस बैंस उन्होंने उन्हां नूं ड्राफ्ट तैयार करके दिता सी, मैं पढ़िया सी ड्राफ्ट, वो एडवोकेट बैंस ने मैं दिखाया सी। उदों सब तो पहली जिहड़ी उन्होंने प्ली लिती सी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने, उन्होंने यही कहा सी कि यह जिहड़े कानून ने ये कानून ही गैर कानूनी ने, क्योंकि केंद्र सरकार का हक ही नहीं बनता कि वह राज्यों वास्ते खेती कानून बना। तो खेती कानून क्योंकि स्टेट लिस्ट का जिहड़ा सबजैक्ट है, तो इस करके स्टेट जिहड़ी हैगी है उस वास्ते समर्थ है अपने कानून बनाने वास्ते। तो उस आधार के उत्ते कैप्टन अमरिंदर सिंह की अगवाई वाली जिहड़ी सरकार है, उसने पिछले अक्तूबर महीने पिछले साल अपने उस विशेष सैशन के कानूनों के उत्ते लीक मार दी सी कि यह साडा हक है, असी इसनों तुरंत याद मैं कराना चाहना, बड़ी रौचक गल होएगी। जिहड़ी पिछली बार की 2005 की जिहड़ी कैप्टन अमरिंदर सिंह की अगवाई वाली कांग्रेस सरकार सी, तुहानू याद होएगा कि उदों इन्हां ने पानियां दे समझौते तोड़न वाला जिहड़ा कानून लियांदा सीगा, वह एस वाई एल दे मुद्दे दे उत्ते जिहड़ा पंजाब दे पानी खोहे जा रहे सी, एड्डी विवादित नहर है, एड्डा विवादित मुद्दा है, सुप्रीम कोर्ट तक चल रहा है, प्रेजीडेंट रेफरेंस तक हो चुका उसते, तां उस च अचानक ही सानू याद है उदों असीं एक्टिव उदों जर्नलिज्म दे विच आए आए सी असीं, तां अचानक ही किसी ने कैप्टन साहब दे कन्न च फूक मारी कि इह तां स्टेट सबजैक्ट है जी, तुसी केंद्र तो की लैना, तुसी अपने समझौते तोड़ दो। एग्जैक्टली। तो उन्होंने वो जिहड़ा पानियां दे राखे दा जिहड़ा खिताब कैप्टन अमरिंदर सिंह लैण च कामयाब हो गए सी, तो उही इतिहास दुबारा दोहराया गया, हुण दुबारा फिर वह खेती कानूनों के उत्ते दुबारा उही चीज़ जिहड़ी दोहराई है। जिहड़ी जिहड़ा तुसी सवाल किया कि अकाली दल दोष ला रहा है कि इन्होंने फॉलोअप नहीं किया, ये फॉलोअप कोई प्रोजैक्ट नहीं है कि यह फॉलोअप करके पूरा होएगा। तो इन्होंने अपनी जो हाजरी लवानी सी पंजाब की कैप्टन सरकार ने, वह हाजरी लवा दी है इतिहास के विच इन्होंने। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਮਾਫ਼ ਕਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਖੜੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਪਸ਼ਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟ ਨੇ ਸਟੇਟ ਲਿਸਟ ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਜੋ ਮਾਈਲੇਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪੂਰੇ ਉਤਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਸਰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਈ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਦੇਖੋ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਚੋਣ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੈ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਅੱਜ ਉਹ 2017 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਿੱਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਸ ਵਾਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੈਚਿਓਰਿਟੀ ਦਾ ਜਾਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਜਿਹੜੀ ਮੈਚਿਓਰਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਪੇਰੋਲ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਭਾਵੇਂ 1 ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਈਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕਈ ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੂਵ ਹੈ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਈਅਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ 11 ਮਾਰਚ 2017 ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਆਏ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਿਸ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸਹੁੰ ਚੱਕ ਗਈ ਸੀ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਸਮਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ 5-6 ਮਾਰਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਫ਼ਤਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਈਅਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੁੱਠੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੋਣ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ ਇਹ ਆਉਣੇ ਹੀ ਆਉਣੇ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਕ੍ਰਿਕਟਰਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ IPL 'ਚ ਬੋਲੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਨੂੰ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਯੁਜਵਿੰਦਰ ਚਹਿਲ ਨੂੰ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਦਾਅ ਮਾਰ ਗਏ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਏ ਨੇ ਜੀ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਸਰ? ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਰੱਖੇ ਸੀਗੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੇ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਇਹ 4 ਸਾਲ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਸਾਲ ਆ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਹਿਲਾ 1.5 ਸਾਲ ਹਨੀਮੂਨ ਪੀਰੀਅਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਲੱਕੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਦੇ 4 ਸਾਲ ਹਨੀਮੂਨ ਪੀਰੀਅਡ ਵਾਂਗੂ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਬਰਗਾੜੀ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਰੋਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪਾਟੋ ਤਾੜ ਹੈ,
अकाली दल फिर भी अपने काडर का या पुराने तजर्बे का सहारा चकते हुए मुख्य विरोधी धिर होने का एक प्रभाव देने कामयाब रहा है। चाहे अज अकाली दल जी है सस्पेंशन हुई है 3 दिन वास्ते मुअत्तल किया गया उन्होंने, पर लोगों का मैसेज जा रहा ना कि अकाली दल ने जीना हराम कर दिता से अंदर, मुख्यमंत्री का बोलना जोड़ा है मुश्किल कर दिता से, स्पीकर मजबूर कर दिता कि उन्होंने खिलाफ़ कार्रवाई करे। जी उम्मीद आम आदमी पार्टी तो रखी जा सकती सी, या सुखपाल सिंह खहरा जिस तरह धड़लेदार तरीके पहला उन्होंने लीड किया विधानक दल में अपने, तो वो जी हैगी परफॉर्मेंस जी हैगी मुख्य विरोधी धिर जी आम आदमी पार्टी है, खासकर ये नेता विरोधी धिर ने जो हरपाल सिंह चीमा बड़े सुलझे हुए बंदे ने वैसे वह, पर इतने सुलझे हुए बंदे नालों जोड़ा है थोड़ा जा गर्म तबीयत दा बंदा भी चलता होंदा है, तो उस जिहड़ा हैगा आम जिहड़ी अकाली दल है वह ठिब्बी लाने च कामयाब रहा सदन के अंदर विरोधी धिर नूं। इस करके विरोधी धिर का रौला जिहड़ा हैगा सरकार के वादियां के खिलाफ जिहड़ा है वह अपनी उन्होंने पाटोधाड़ जिहड़ा उन्होंने होया पिया है, तो वह आपस च खिल रहे पे ने उहदे विच ही उलझ के रह गया जी। सर जे देखा जाए रोजाना जिहड़ा सैशन की कार्रवाई होंदी है विरोधी धिरां ने दो मुख अकाली दल है चाहे आप दी गल कर लो दोनों वालों जदों कोई गल हुंदी है वॉकआउट कर दिता जाता है, की कारण मानते हो लोगों की पंजाब के लोगों की गल क्यों नहीं रखते हो? पंजाब दे लोकां दी गल रखी कदों इन्हां ने जदों अपनी सरकार सी अकाली दल दी उदों नहीं इन्हां ने कोई पंजाब दा भला कीता, तो हुण इन्हां तों की उम्मीद कर सकदे आ। सो वाकआउट करना जिहड़ा मेरे ख्याल च चलो हक है, वाकआउट करना एक तरीका हुंदा है, पर इहनूं आपां दूजे शब्दां च कह लईए एक पोलिटिकल बुजदिली भी है जी। जी किसान अंदोलन किसानी संघर्ष के दौरान ने किसान शहीद होए ने, विरोधी धिरां वल्लों लगातार दोष लाए जा रहे ने भी कांग्रेस जिम्मेवार है उहदे लई, तो की मानते हो कांग्रेस सरकार ने किसानी अंदोलन किन्ना सहयोग दिया? देखो किसानी अंदोलन नू तां इह बख्शी देण उहदा पोलिटिकल जिहड़ा हैगा उहदा सियासीकरण ना ही करन दा ज़्यादा चंगा है, खासकर जिहड़े आ लोकां दी लाशां ते लोकां दी शहीदियां दे उत्ते सियासत करन दी जिहड़ी इह सियासी कोझी चाला चल रहे ने, पंजाब दे लोक इहनां नू हरगिज़ माफ़ नहीं करनगे, अगलियां पीढ़ियां इहनां नू हरगिज़ माफ़ नहीं करनगियां। सो चंगा इहनां वास्ते इही है कि इस अंदोलन की जिहड़ी किसान अंदोलन की पवित्रता नू बरकरार रखण, अपनी सियासत आपदे घरे करन, अपनी इहनां वास्ते जिहड़ा होम ग्राउंड खुल्ला है अगले साल इलैक्शन लड़ लैण, ते अगले साल इलैक्शन लड़ के पंजाब दे इही किसान ने पंजाब दे इही लोक ने इही वोटर ने दुध दा दुध ते पाणी दा पाणी जिहड़ा इहनां नू करके दिखा देणगे। सर स्कॉलरशिप स्कैम का मुद्दा बड़ा उठाया जा रहा है इस वेले सदन के, विरोधी पार्टियां कह रही ने सदा सीधा दोष ला रही ने भी साधु सिंह धर्मसोत जड़े ने उहदे लई जिम्मेवार ने। देखो स्कॉलरशिप जिहड़ा स्कैम है ये पिछली अकाली दल दी ते भारतीय जनता पार्टी दी सरकार तो ही गिफ्ट के रूप दे विच कैप्टन सरकार नूं मिलिया सी, जदों इन्हां दी सरकार 2017 च आई सी तां उहनां उदों इन्हां ने जांच कराई सी, उदों ये कुछ 100 करोड़ का सी, ते मुड़ के इन्हां ने उसनूं खत्म करन दी बजाए उसका हल करन दी बजाए उस लगातार अगे वाधा हुंदा गया, तो हुण 100 करोड़ का हो गया। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम जी है जी केंद्र तो आती है विद्यार्थियों वास्ते, वो कल पंजाब च ही नहीं हरियाणे ते हिमाचल प्रदेश दे विच भी वड्डा करप्शन का जिहड़ा जरिया बनी हुई है, ईवन के हिमाचल प्रदेश दे विच तां CBI की जांच भी हो चुकी है स्कॉलरशिप स्कीम के मुद्दे के उत्ते, ते पंजाब सरकार भज रही है इस तो। सो ये करप्शन का जिहड़ा दाग है ये मेरे ख्याल च यह सरकार भी जिहड़ा हैगा नाल लैके ही जाएगी, ये धोया जाण वाला नहीं हैगा, खासकर गरीब बच्चों के हक का पैसा। सर जेकर गल करिए कांग्रेस सरकार लगातार विरोधी पार्टियां ते इल्जाम ला रही है कि विरोधी पार्टियां सदन के अंदर तो कुछ नहीं बोल दियां, बाहर सवेरे एक रोष मुजहरा करके महंगाई के खिलाफ बिल लेके पुतला फूक के एक फोटो सैशन करवा के सदन नू मजाक बना रखे इन्होंने। नहीं सदन में मजाक अज की किया अज सत्ताधारी धिर ने किया की कुलबीर सिंह जीरा की कर रहे थे मुख्यमंत्री के अगे खड़े होकर, सुखपाल सिंह खहरा भी पता लगे उत्थे चले गए, 10 विधायक 4 मंत्री उत्थे आगे खड़ गए ने, तो सरकार का काम हुंदा अकाउंटेबिलिटी का जिहड़ा हैगा प्रभाव देना कि असी तुहाडे तो वोटां लैके 4 सालों तो सरकार च बैठे हाँ, 4 साढ़े बजट सैशन हो चुके ने, आखिरी बजट सैशन दे आए पे हाँ, तो वो बजाए हुण विरोधी धिरां कोल चारा ही नहीं कोई बचता, जदों उन्होंने थोड़ा बहुत तुहानूं टोकण की कोशिश की तो तुसीं उन्होंने मुअत्तल कर दिता 3 दिन वास्ते बजट सैशन चो देखने मिली है। स्पीकर साहब वालों 3 दिन ली अकाली दल मुअत्तल कर दिया गया, किवें देखते हो 8 तरीक न सोमवार को बजट पेश होना है तो उत्थे अकाली दल बैठा होगा या नहीं होगा? देखो अकाली दल मुअत्तल कर दिता तो अज की तरीक च आप जिस हैसियत गल कर रहे हैं तो यह मतलब है अकाली दल अंदर नहीं होएगा जी, तो अकाली दल फिर बाहर फोटो सैशन ही कराएगा जो होर की करेगा अकाली दल, उन्होंने भी तो अपनी राजनीति करनी है जी। पर सवेर दियां जिहड़ियां सुरखियां ने आपां चलो हाले भी आपां रवायती जिहड़ा जर्नलिज्म है अखबारां दा जर्नलिज्म उहनूं आपां मन्नदे आ कि सवेरे छपिया की है या अज दे प्रोमीनेंट साडे चर्चा दे मुद्दे ने जिहड़े उह की रहिण वाले ने, उहनां च इक वड्डी खबर है पैरलल इस दे कि मुख्यमंत्री साहब ने राजपाल साहब के भाषण के धन्यवाद दे विच की कहा की उन्होंने वादे किए होर किन्ने कु हिंट दिए बजट बारे, उहदे पैरलल जिहड़ी है अकाली दल की मुअत्तली की खबर नशर होएगी। बिल्कुल अकाली दल इस च कामयाब रहा जी।
आखिरी क्वेश्चन है, कैप्टन साहब वालों जो सवाल है जवाब दिए गए, वोट ऑफ थैंक्स किया गया, वो बारे की कहो। कैप्टन साहब ने वोट ऑफ थैंक्स के गवर्नर साहब का तो चलो वह तो रस्मी तौर के उत्ते करना होंगे, खासकर उन्होंने माइनिंग के उत्ते जोड़ा है एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट का गठन करने की गल कही है कि एक सीनियर पुलिस रैंक का अफसर जोड़ा है फुलफ्लैज जोड़ा पुलिस की नफरी दे के जोड़ा इलीगल माइनिंग कर्ब किया जाएगा। पिछली अकाली दल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बहुत गदर मचाया होया सी, पर किसी गल किसी तो गल लुकी हुई नहीं है कि माइनिंग जी हैगी है इस सरकार के भी करप्शन का बहुत व्डा एक घर बनी हुई है। तो आखिरी साल के अपनी ही स्टेट के अंदर एनफोर्समेंट डायरैक्टोरेट बना के मेरे ख्याल आई वाश है, इस तो कोई वड्डी गल नहीं। हाँ, दूजी जो एक पहलू मुख्यमंत्री साहब के जोड़ा भाषण का अज का रहा है वह बहुत एक रहा जरा जे अंकड़िया के उत्ते किसी का गौर नहीं गया मेरे ख्याल आप स्काई न्यूज़ वक्रे तौर के उत्ते उसू आप पेश करने की भी कोशिश करा समझने वाली गल है। मुख्यमंत्री साहब ने कहा कि 14,23,000 ट्यूबवैल ने बिजली कनैक्शन चलते हैं, ये डीजल इंजनों चलन वाले वक्रे ने उन्होंने छड़ दो, बल्कि भी लगभग ज़्यादा नहीं था 5-6-7 लाख तो वह भी हो गए। तो 14,23,000 ट्यूबवैल होने का मतलब है कि साडा अंडरग्राउंड वाटर कितनी बड़ी मकदार के जोड़ा है यूज हो रहा है। उन्होंने तो हालांकि कहा है कि असी 6,060 करोड़ रुपया इस साल की जी बिजली सबसिडी एग्रीकल्चर सैक्टर दिती है, तो 150 करोड़ की उन्होंने मेरे ख्याल वक्रे तौर पर जिक्र किया कि डोमैसटिक सैक्टर दिती इंडस्ट्रियल सैक्टर दिती है, पर मनिया कि चलो सबसिडी जी बिजली है पंजाब के किसानों मिल रही है, मिलनी भी चाहिए है क्योंकि पंजाब का किसान पूरे देश का ढिड भरन वास्ते अन्न पैदा करता है, पर साडी स्टेट जी हैगी पहला ही जड़ा ये जड़ा है पंजाब के कई ब्लॉक डार्क जोन डिकलेयर किए जा चुके हैं। ये अंकड़े बड़े चुकाने वाले ने, मतलब 15 लाख के करीब ट्यूबवैल जरा सीधा बिजली से चलता है, जमीन चो पानी कड़ता, बिजली चाहे मुफ्त है, तो उस तो इलावा जोड़ा इंजन वाला जोड़ा डीजल वाला जोड़ा ट्यूबवैल है तो नहरी पानी भी लगता है। तो तुम सोचो कि किन्ने वे लैवल के उत्ते इरीगेशन जी पंजाब दे विच यू हो रही है, तो पंजाब की जमीन चो पानी कढ़िया जा रहा है, तो पंजाब आने वाले सालों के किसी होर संकट च ना फस जाए। ये उस गल वाल इशारा मुख्यमंत्री साहब के अज के जोड़े उस जोड़े अंकड़े सामने आए हैं, भावें उन्होंने किसी होर परिपेख होर कंटैक्ट जी गल् की, पर इस चो एक जर्नलिस्टिक नज़र न पॉइंट ऑफ व्यू न चीज़ देखी जाए तो इस ते शायद किसी की नज़र नहीं पै रही कि वह अंकड़े किन्ने खतरनाक ने। बिल्कुल जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद, तुसी सानू अपना कीमती समा दिता, ते जिहड़ा हुण तक 5 दिन जिहड़ा बजट सैशन होया उहदा पूरा लेखा जोखा जिहड़ा हैगा साडे दर्शकां तक पहुँचाया। ताज़ा तरीन खबरां वेखण लई बने रहो स्काई न्यूज़ पंजाब दे नाल।